दोस्तों, मैं प्रकाश राणा आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि लाइफ में हमेशा कैसे पॉजिटिव रहें। एक दिन सुबह एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने व्यापारी का मार्ग काटा। व्यापारी घबरा गया, वो इसे अशुभ मानकर घर लौट गया और शुभ समय का प्रतीक्षा करने लगा। और वो जब बाद में घर से निकला तो वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिला। राजा क्रोधित हो गए और राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। इसीलिए पत्नी अपने बच्चे समेत मायके लौट गई। और उस व्यापारी के जीवन में अगर कुछ रह गया था तो वो था केवल अंधकार और दुख। और इन सबका कारण उस बिल्ली को मानता रहा और किस्मत को दोष देता रहा। ऐसा एक दूसरे व्यापारी जो राजा को भेंट देने निकला था, उस व्यापारी का मार्ग भी बिल्ली ने काटा था। वो व्यापारी पहले तो घबराया परंतु उसने आगे चलने का निर्णय लिया। राजा तक पहुंचा और समय से पहले उसने राजा को भेंट दी। राजा बहुत खुश हुए और राजा ने उस व्यापारी को स्वर्ण आभूषण दिए और व्यापारी को व्यापार बढ़ाने का अनुमति दी। और जब व्यापारी घर पहुंचा तो पत्नी को स्वर्ण आभूषण और बच्चों को वस्त्र दिए और इस कारण उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई। दोस्तों, दोनों व्यापारियों के साथ एक ही जैसे घटना हुआ पर दोनों ने अलग अलग निर्णय लिए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी किस्मत का होना ज़रूरी है पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सही समय पर उचित निर्णय लेना और मेहनत करते चलना। इसीलिए हमेशा हर समय पॉजिटिव सोचिए। दोस्तों, इस कहानी से ये कहावत याद आता है कि जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत।